ठीक स्वागत है आप लोग का हमारे नए वीडियो में। हम जा रहे हैं पाली मार्केट। हर बार की तरह इस बार भी जा रहे हैं साग सब्जी खरीदने, और काफी दिनों बाद हम जा रहे हैं। हाँ, लगभग ये 1-1.5 महीने बाद जा रहे हैं। भाई को लेके जा रहे हैं क्योंकि भाई इनको लगभग 2 महीना होने आ गया है, और 2 महीने में तो कितना 1.5 महीना जितना हो गया है, लेकिन ये कहीं भी अभी घूम नहीं पाए हैं। तो इनको हम सबसे पहले पाली के बाज़ार घुमाएंगे, पाली गांव का बाज़ार दिखाएंगे। ये शहर का बाज़ार तो देखे हैं, इनको हम दिखाएंगे पाली मार्केट। और इनको अपना थोड़ा ये सब सेविंग भी करवाना है, तो इनका सेविंग भी पाली मार्केट में हो जाएगा। मैं साग सब्जी खरीद लूँगी, और अभी मौसम बहुत अच्छा हुआ है बारिश की वजह से, और यहाँ पर इतनी हरियाली हुई है। जिस हम रास्ते से जाएंगे वहाँ पे खेत खलियान में धान लगे होंगे, हरा भरा दिखेगा। तो इनको आज गांव घुमाएंगे। हाँ बाबू, आपको गांव घुमाएंगे। गांव घूमने की इच्छा है? शहर बहुत घूमे हो, अब गांव आपको दिखाएंगे। उम्र गांव तो गांव ही है ना। बैठे हो कि पतला ये बैठा है वैसा ठीक होता है क्या है? लेकिन तो ना और संगीता सच में आप मोटी थी उसमें, जब वो जब हम लोग घुमाते थे ना उसको, उस समय बेचारी मेरी बहन मोटी हो गई। ओ वड़ा नु धन्यवाद बोलो ने, धन्यवाद बोलो ने। महिला मैंने एक महिला मार्केट जाए थे पछे आ गए। चलो तो हम लोग जा रहे हैं पाली मार्केट। अभी रक्षाबंधन का समय चल रहा है ना, तो सब भाई अपनी बहनों के पास गए हैं, सारी बहनें अपने भाइयों के पास गए हैं रक्षाबंधन मनाने के लिए। और हमारे तो माता पिता भाई बहन सब ही माँ बाबा हैं, हमारे गुरुदेव हैं, तो हम इनके अलावा कहाँ जा सकते हैं, कहीं जा ही नहीं पाते इनको छोड़ के। हमारे सारे रिश्ते हमारे माँ बाबा में समाहित हो गए, तो अभी इनको हमारे हाथ से राखी बनवानी थी, तो ये आ गए हैं। इस साल हम बनवाएंगे दीदी के हाथों से राखी, 3 साल से मैं बांध नहीं पा रही थी, तो इस बार ये स्पेशली राखी बनवाने आए हैं। राखी बनवा के इनको अच्छा लगा ना? अच्छा लगा माता जी से भी राखी बनवा दी। सोचो इतनी अच्छी नसीब है भाई की कि माता जी से भी राखी बनवा दी है। और आप क्या कह रहे हो? यहाँ संदीप तुझको दिखा नहीं पाएंगे आप। वो वाला यार वो देख देख तू बोर हो गया होगा। बोर का उसमें एक आदमी खड़ा है ना, जैकेट पहन के। ये गांव जानता है कौन सा गांव है? आया है सबसे रिच सिटी है। भोले बाबा का मंदिर ये आप लोग भी देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत प्राचीन शिव मंदिर है। राजा थे जो बहुत सारे शिवलिंग की स्थापना कराए थे। ये बहुत पुराना हो गया, बहुत प्राचीन एक वो है, वो सब खंडहर हो गया। बहुत प्राचीन शिवलिंग है।
ये सब देख एकदम खंडर पड़ा हुआ है, इसे बहुत पुराना है ये किसी राजा महाराजा का था, ये आश्रम था इसमें अंदर भी हम लोग गए हैं। एक दिन वहाँ पर चलना का मन करता है मेरा यार। हमारे प्रचार गाड़ी में 500 रुपया लेकर आइए और प्रणाम दिए तो मत का विश्वास में जाइए। हां मां जी बहन जी चाची जी आइए हमारे प्रचार गाड़ी में 50 रुपये का छोला किसका है 100 रुपये का दुपट्टा खरीदिए। हर कलर हर डिजाइन का रंग बिरंगे दुपट्टा लेकर जाइए, 100 रुपये का दुपट्टा लेकर जाइए। जी हां बाल कटवाएंगे सभी का 50 रुपये का ये दुपट्टा और 100 रुपये का जोड़ा लेकर जाइए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम पाली मार्केट पहुंच गए हैं, साथ में संदीप भी आया है, झोला भी ले ली, अब हम साग सब्जी खरीद लेते हैं। तू पता भी लाल मिर्ची ले लेना चलिए। कुछ नहीं यहाँ पे देखा, इधर ही 10 रुपए किलो बैग टमाटर ले लो, मत लगा 50 वाला 40 का लगा, इधर नहीं इधर 40 का कोई जगह ये ले लो अदरक। अरे दीदी इधर है दीदी, खत्म कर देंगे दीदी मिर्ची, अरे सब दे दो अदरक भी दे दो लौकी इधर भी है इधर बहुत है दी ले इधर देख लेना इधर तो कितना है। ठीक है मैं यहाँ से ही लेती हूँ। मिर्चा दे दो लौकी है ना घर पे चार ले लेते हैं तो क्या है लेकिन मतलब चार तो है तुम खराब होगा वो कितने एक किलो का ना एक लगाए अरे लगा इधर छोट ये लगाओ कितने का फल 30 रुपया खाली। अब कद्दू नहीं लेंगे अब यही लेंगे डालेंगे कद्दू नहीं कद्दू नहीं लेंगे कद्दू महंगा पड़ जाता है। टमाटर कितने का 30 रुपया का नहीं लिए टमाटर कितने का टमाटर भी तो गल जाएगा टमाटर टैल टमाटर सही है ना कड़क कड़क ले ला कड़क कड़क डालो ये देखो हम लोग टमाटर ले रहे हैं ये कितना देर हो गया ये 90 आजा एक रुपये रोक लो पड़े ले ना फिर आना नहीं पड़ेगा बार बार खाते रहेंगे तो 40 रुपए खीरा ले लो 30 रुपए के साथ ये लीजिए 2 किलो जलेबी खा रहे हो जलेबी मजा आ रहा है। तरोई और लौकी और बैगन खेत का है खीरा ले लो ले लो 20 रुपये दे देना 4 किलो है देसी खीरा है सलाद का केवल 20 रुपये का
ये मतलब नहीं ले जाएगा। 20 रुपए का, 20 रुपए का आधा किलो बेचा था, 20 रुपए का सब खेत का है। जरूरत नहीं है ना, जरूरत रहता दे लेते। ठीक ठीक खाते भी कहाँ हैं? डाल लीजिए। मसाला लेना है, लाल मिर्च इमली तो देखना पड़ेगा। अच्छा आलू लेना, आलू लाल मिर्च 30 ग्राम 70-250 नहीं खाने मन कर रहा है। इतना नहीं है, तलकीला खाने मन कर रहा है, मीठा नहीं दिखा बाबू, मत खा तू। इससे मतलब क्या होता है, खून खून हो जाता है, मीठा हो जाता है, तो जो पाकड़ है पाका ठीक नहीं होता कभी। यार मुझे तो पाका हुआ है, आपको पाका 1 महीने से हुआ, कहाँ हो रहा है? खाई खाया था कल, और बोलिए लहसुन ले लेना, काम आएगा। 100 ग्राम ले, 100 ग्राम बहुत होगा। हाँ मतलब कैसे है? 25 का 100 ग्राम है, 50 का 250 ग्राम है। 50 का लेते हैं ना, 100 ग्राम ले लेना। नहीं अभी मत लो, कुछ और ले लो। अरे ले लेना, काम है। 10 दिन में क्या है? 100 ग्राम ले ला, चला कुछ मैं बनाऊँ ना। 100 ग्राम ले, क्या होता है? आप लोग देख सकते हैं पीछे मेरा भाई है, और इनको हम पाली मार्केट घुमाने लाए थे। कैसा लगा संदीप पाली मार्केट घूम के? मज़ा आ गया। और देखो बाजार में आके ये समोसा का लुत्फ़ तो उठा रहे हैं, गरम मजा समोसे यार, मज़ा आ रहा संदीप है, मज़ा आ गया। मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रहा क्योंकि मुंह में समोसा भरा हुआ है, गरम गरम मज़ा कर रहा है। खिलाना मुझे भी, देखो दे दे, चटनी अजीब है, दे दे नहीं रहा है मुझको संदीप, तो दे नहीं रहा यार, दे रहा ले लाना। अरे यार बहुत गर्म है, खा ही नहीं पाऊँगी मैं तो, बहुत गर्म है यार ये तो। बहुत महंगा है भाई, अपना अभी पता है इधर से लेके चलना ये खेत में से, क्यों यार खेत में चलो ना, खेत देख देख जा, आगे रास्ता सब गीला होगा, गाड़ी फंसेगी, अच्छा लगेगा क्या? हाँ ये भी बात, आपकी मनोकामना पूर्ण कर देता हूँ, लेकिन अगर कोई खराब जगह मिला और मैंने चिल्लाया तो सुनने की ताकत भी रखना पड़ेगी। ठीक है? ठीक है, सुन लोगी? सुन लूंगी। अरे उतना भी खराब थोड़ी ना, बीच में थोड़ा जो टर्निंग आता है ना उसमें बस संभाल के घुसाएंगे और क्या। तो आप संदीप को खेत घुमाने के चक्कर में डांट भी सुनने के लिए आ जाते हैं यार, मैं पर मैं धक्का नहीं मारूंगा, धक्का नहीं मारेगा तो ये भी कंडीशन लग जाएगी। ठीक है ना, मैं मार दूंगी यार पाले सब भगवान के दिया। सुनता है दरोगा आर्मी पुलिस, तो इसके अंदर ना
बहुत खुशी की उमंग लहर दौड़ उठती है और ये उस इंसान से दोस्ती करना चाहता है। ऐसा फील होता है कि मेरे मेजॉरिटी का कोई हाँ मिल गया है। अब संदीप उसे दोस्ती यारी बना के आगे का अपना फ्यूचर प्लान करता है कि कौन सी पढ़ाई करूँ, क्या करना चाहिए, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है और चीज़ों को जानने की कोशिश करता है। हाँ संदीप, ऐसा वो मिला जो आप तो तुझसे राखी बन लो अभी आई है वो एस आई है आरपीएफ में। संदीप को मजा आ गया मिलके ना, सब मिले गुजरात पुलिस वाला बंदा भी था मेरे को, गुजरात पुलिस मिली भी इससे, पता दोस्ती हो गई, नंबर भी ले लिया है। एस आई है, एस आई है। ये देखो ये आप लोग देख सकते हो कितना सारा भेड़ है, कितने सुंदर लग रहा है। अभी कहाँ लेके जाएंगे पता नहीं, इन लोग का जीवन समझ में नहीं आता ये जाते कहाँ है रहते कहाँ है। साल भर ये लोग मस्त घुमाएंगे चराएंगे फराएंगे, किस शहर से किस शहर जाते हैं, पेड़ का बाल निकाल के बेच देंगे, मस्त कमाएंगे मुनाफा।